9 जून को देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक ओर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी ओर दुनिया की निगाह भारत पाकिस्तान मैच पर थी। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से आतंकी हमले की खबर आई। आतंकवादियों ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी एक बस को निशाना बनाया। इसमें 10 लोग मारे गए जबकि कई लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6:10 पर रियासी जिले के पौनी इलाके में शिवखोरी से कटरा जा रही यात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। बस चालक को गोली लगी और वो नियंत्रण खो बैठा और बस पास की खाई में जा गिरी। आतंकियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर जांच कर रहे हैं। जंगल वाले इलाके में तलाशी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस में सवार एक यात्री ने हमले को लेकर बताया कि वो 6-7 आतंकवादी थे। उनका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। शुरू में उन्होंने बस को सड़क पर चारों तरफ से घेरा और फिर गोलीबारी की। जब बस खाई में जा गिरी तो वो नीचे बस की तरफ आए और गोलीबारी करते रहे। फायरिंग कर रहा था, उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफी टाइम तक फायरिंग हुआ, उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा। हम सभी चुप रहे ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम सब मर चुके हैं। उसके बाद आतंकी भाग गए। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रात करीब 8 बजे तक सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। हमले की तस्वीरें बेहद खौफनाक थी। लोगों की लाशें खाई में बिखरी हुई थी। इस हमले के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के नजरिए से सरकार पर सवाल उठाए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार शपथ ले रही थी और कई देशों के प्रमुख देश में थे, जब श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकी हमला हुआ, इसमें 10 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार जारी है। घाटी में शांति और स्थिरता लाने की नरेंद्र मोदी सरकार के दावे खोखले हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोस्ट कर जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है, मुझसे इस स्थिति पर लगातार नजर रखने को भी कहा है। हमले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले की जाँच के लिए जम्मू कश्मीर से एनआईए की टीम भी रवाना हो चुकी है। खबर है कि एनआईए के एसपी लेवल के अधिकारी स्पॉट पर पहुंचकर जांच करेंगे। मौके पर एनआईए के फोरेंसिक टीम भी जांच करेगी। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।